हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शन ह्यूमन डिजीज़। ये है वायरल इन्फेक्शन ह्यूमन डिजीज़। आज हम आपको बताएंगे कि वायरल डिजीज़ क्या है। सम ऑफ कॉमन डिजीज़ ऑफ वायरस, फ्यू डिजीज़ आर एज बिलो, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं जो कि हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। इन्फ्लुएंजा, पहला हो गया इन्फ्लुएंजा, दूसरा हो गया चिकन पॉक्स, तीसरा हो गया मप्स जिसको रुबेला बोलते हैं, और उसके बाद हो गया स्मॉल पॉक्स और रैबीज और हाइड्रोफोबिया, 6 है पोलियो, और 7 है जॉन्डिस और हिपेटिस, और उसके बाद 8 है HIV। ठीक, उसके बाद हम पहला बताएंगे कि ये जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ में मतलब कैसे आप जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा हमको हुआ है। तो नोज स्नीजिंग, मतलब कि हम मतलब बहुत बार हमको छींक आती है, जुखाम हो जाते हैं उसकी वजह से, छींक आती है। उसके बाद फिर क्या होता है, फीवर रहता है और कफ रहता है, और हमारे बॉडी में सर में पेन होती है जब मतलब दर्द हो जाता है, और कफ बने रहते हैं हमारे थ्रॉट में। किसके द्वारा? इन्फ्लुएंजा से। देयर इज ए नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, द पेशेंट्स इज फुली बेड रेस्ट 3 to 5 days। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है जो कि जिससे ठीक हो जाए इन्फ्लुएंजा में। इसके लिए जो पेशेंट होते हैं उसको चाहिए कि वो फुल्ली बेड रेस्ट करें। कितने दिन तक? 3 से 5 दिन तक। इसके बाद वो इन्फ्लुएंजा अपने आप ठीक हो जाता है। सेकेंड है जो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसको हम लोग बड़ी माता के नाम से जानते हैं और छोटी माता होती हैं उसी को बोलते हैं। तो इट इज़ द हाई कंटाजिनस डिजीज़। ये एक मतलब ऐसा बीमारी है, द चिल्ड्रन ऑफ लेस देन 10 ईयर एगो। ये मतलब कि अधिकतर चाइल्ड बच्चों को होता है, जो मतलब 10 ईयर एगो को बाद ही होता है, 10 साल के। सफरिंग फ्रॉम फीवर दिस डिजीज़, इससे मतलब कि बुखार भी होता है इस बीमारी से। स्किन रेड, और जो है हमारे स्किन पे मतलब कि रेड कलर के, लाल कलर के स्पॉट निकल जाते हैं, दाने निकलते हैं। ऑन द बॉडी दे गेट फील्ड्स विथ पस लो फीवर, मतलब कि वो जो दाने निकलते हैं उसमें कि पस भरे होते हैं, मेवाज भर जाते हैं, जिससे और हल्का बुखार भी रहता है। किसमें? चिकन पॉक्स में, जो कि बड़ी माता होती हैं। इसका कंट्रोल क्या है? नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द एक्टिव इम्यूनिटी। चिकन पॉक्स का कोई ऐसा वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुआ है कि जिससे लगाने से ये ना हो, बट इसको हम अपने कंट्रोल में करते हैं। रुबेला, रुबेला जो है ये क्या है? स्किन इन्फेक्टेड डिजीज है, रुबेला ऑफ चिल्ड्रन। द चाइल्ड इज इफेक्टेड फीवर, कफिंग, स्नीजिंग, रेड स्पॉट ऑन स्किन। रुबेला में जो होता है वो किसको? स्किन को इन्फेक्ट करता है। चाइल्ड्स के इफेक्ट में फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, कफ रहता है, और मतलब छींक भी आती है, रेड स्पॉट ऑन स्किन, और उनके स्किन पर रेड स्पॉट भी रहते हैं। इसके कंट्रोल क्या है? पेशेंट वैक्सीनेटेड आफ्टर 5th of age, मतलब कि 15 साल के एज में ही पेशेंट को इसका वैक्सीन लग जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ दिया है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इट इज़ अटैक्ड फीमेल चिल्ड्रन। स्मॉल पॉक्स होता जो है वो अधिकतर फीमेल्स बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या होता है? चाइल्ड हाई फीवर, मतलब कि बच्चों को बहुत तेज़ी से बुखार हो जाता है। कितने? 106 डिग्री से 160 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें हेडेस होती है। दीज इन्फेक्शन आर जनरली 3 वीक्स, और ये जो इन्फेक्शन है वो अधिकतर 3 सप्ताह तक रहता है। कंट्रोल, इसका कंट्रोल कैसे है? द वैक्सीनेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू द WHO, मतलब कि स्मॉल पॉक्स का जो छोटी माता होती हैं इनका वैक्सीन मतलब कि प्रोवाइडेड किसके द्वारा होता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और उसके बाद है मप्स। मप्स जो होते हैं ये होता है इन सेल्वरी ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। ये बॉडी के किस ग्लैंड्स को प्रभावित करते हैं? तो सेल्वरी ग्लैंड को करते हैं। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, डिफ़िकल्टीज ऑफ ओपनिंग माउथ, मतलब कि जब मप्स हो जाते हैं हमारे, जैसे
टंग में हो गया, तो हमारे मुंह को मतलब खोलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हम और फीवर भी होता है। तो ये हो गए हमारे वायरल डिजीज़ जो कि अधिकतर होते रहते हैं, तो इसमें आते हैं। थैंक्स फ्रॉम वॉचिंग फ्रेंड, माई नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।